ट्यूजडे है, हमारे साथ केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि टेक्निकल सेटअप और कमाई वाली कॉल्स इस समय कहां पर हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। तो अब इंडेक्स पर क्या व्यू प्ले हो रहा है, क्योंकि वो आपका जो पिछला व्यू था वो एकदम सटीक बैठा। अब लोग जानना चाहते हैं कि अब आपकी नज़र कहाँ पर है, किन लेवल्स पर नज़र रखें। पहले पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। तो आइए आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरुआत करता हूं। पीसीआर से अनुरोध है थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन को शेयर रखें। आप ये देखिए कि निफ्टी की जो आवरली चार्ट है इसमें अगला रेजिस्टेंस है 24,660 का, और जैसे ये 24,660 क्रॉस करेगी तब तब हम इसके ऊपर में बड़ा व्यू लेंगे 25,500 वाला। 25,500 एक संभावना है, और इस बाजार में जहां नेगेटिव सेंटीमेंट्स, नेगेटिव न्यूज और रोज कुछ ना कुछ छिटपुट छेड़छाड़ हो रही है, तो बिगड़े हुए वातावरण के अंदर में वातावरण कभी भी ट्रेडर को सपोर्ट नहीं करता, उसके उल्टा चलता है। मार्केट का काम है जो इंटेलिजेंट इंसान के दिमाग में महज उसकी इंद्रियों से जो कुछ आने वाला है बाजार उसका उल्टा करवा देगा, क्योंकि सबके पास वो इंद्रिया है। बाजार का माहौल बिगड़ा हुआ है और रैली बन रही है, तो 24,650 तक की एक रेजिस्टेंस को मैं कुछ दिनों के लिए देख रहा हूं। तो चुनौती ये है अनुज कि बड़ी छुट्टियों को देख करके 24,650 आ भी गया, लोग अपना माल छोड़ के चले गए, तो हो सकता है जब तक हम मंगलवार को वापस रीअसेंबल करें, अमेरिका का मार्केट काफी तेज हो चुका होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक पोजिशंस को लेना बेहतर है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल शातिर ट्रेडर्स का काम है, जो जो नाक से देखते हैं मार्केट को, आंख से नहीं, मैंने इंट्यूटिव ट्रेडर्स का मार्केट है। बैंक निफ्टी की चार्ट अगर आपको मैं दिखा पाता हूं तो तकरीबन वही पिक्चर बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है कि एनी टाइम आपसे मेरी वार्ता समाप्त हो और ये मार्केट पूरा रैली करने लग जाए। तो इंट्राडे में अगर आप देखो बैंक निफ्टी का लेवल 50,615 के ऊपर चलते ही हमारी बाई ट्रिगर हो जाएगी। 51,200 का अगला टारगेट, रेजिस्टेंस समझ लो आप, टारगेट शब्द गलत होता है, और 51,200 के बाद 51,700। अभी मैं इतनी रेंज को लेके चल रहा हूं, पर किसी कारणवश जब भी 51,700 क्रॉस हो जाएगा, वो अगले सप्ताह किसी टाइम होगा, तो उसके बाद कहां जाके रुकेगा ये बाजार ऊपर, अभी कल्पना करना गलत है। ओके, कल्पना करना गलत है। अच्छा सुशील जी, मैं आपके पर्टिकुलर कॉल्स पर आऊंगा, लेकिन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके लिए। अब अदानी ग्रुप स्टॉक्स में क्या करना है? मैं ये इस क्वेश्चन को थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ कि संडे को ही हमने बात की थी, और अब थोड़ा सा एक MSCI का भी एक शायद एम्बार्गो हटा है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर पहली बात तो क्या आप अभी भी लॉन्ग हैं, और दूसरी बात अब यहाँ पर कौन से स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, कौन से स्टॉक खराब लगते हैं? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे हम देखिए, अगर PCR चार्ट दिखा पा रहा है तब तकरीबन लो में पकड़ लिया था इनको ट्रेडिंग लो पे आके, और उसके बाद इस ड्रॉप में भी हमने और पोजीशंस ऐड करवाई है अपने क्लाइंट्स को, और जो न्यूज का फ्लो भी है, मतलब अडानी से रिलेटेड 4-6 लाइनें लिख दी, उस व्यक्ति ने आके बाजार में शरारत करी जिसने पहले अडानी के साथ हंगामा मचवाया था, तो सिर्फ उस बात के लिए जो कल वीकनेस एक टेम्पररी आनी थी, कमजोर आदमी का माल कटना था, हमारी रीडिंग यही है। रॉन्ग राइट अपनी जगह होगा जब उसके स्टॉप लॉस लगेंगे, और अडानी विलमार हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी एंटरप्राइजेस हो, इवन गुजरात अंबुजा सीमेंट, जहां हम सीमेंट के एक सेक्टर पे थोड़े से बहुत चूजी हो गए हैं कि सीमेंट का सेक्टर बहुत रन कर चुका है और बहुत ही सिलेक्टिव काम करना है इसमें, दोनों तरफ धोखे हैं, इवन गुजरात अंबुजा सीमेंट में भी बाई का ट्रिगर है। तो आप करीब करीब मान लो 10 में से 8 अडानी के स्टॉक्स पे हमारा बाई का ट्रिगर है, 2 पे हम देख रहे हैं क्या कोई परिवर्तन नहीं अडानी के स्टॉक्स में, छेड़छाड़ जो आनी थी आ गई, मच्छर काट के चला गया, बर्नौल लगाने की कोई जरूरत नहीं। सुशील जी, एक स्टॉक पे हमारी पहले भी बात हुई है, बलरामपुर चीनी, आज आपसे बात करते करते 515 पे ये अपने करियर हाई पे खड़ा है, रिविजिट कर रहा है अपने मार्च 2022 के हाई को, इस पर आपका टेक अगर आप चार्ट्स देख पा रहे हो इस वक्त? तो देखिए चार्ट देख भी लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। तो अब अगर ये बलरामपुर चीनी ने ये जो अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के करीब है, तो यहां से जब भी एक रिवर्सल मिलेगा, देखिए यहाँ पे कुछ मीठा हो जाए, हमारी जो रिपोर्ट आई थी कि अगले 6 महीने में 8 सेंट पैसा बन जाएगा शुगर स्टॉक्स में, 350 वाला 515 हो गया,
हद से ज्यादा शुगर खाने से भी तो डायबिटीज होती है, जी घबराता है, चक्कर आते हैं। तो अगर जब भी टेक प्रॉफिट का सिग्नल आएगा छोड़ देंगे, 450 की कोई फोरकास्ट नहीं, पर संभावना है कि वहां तक भी अगर मिल सकता है तो मुनाफा खाया हुआ रहेगा, तब लेंगे। आप चीनी को खाओगे नहीं टाइम पे तो उसको चींटी खा जाएगी, तो पुल बैक में इसको और लेंगे, जिसके बाद अभी भी धारणा यही है इसको 600 तक जाना अंतोगत्वा। पर अब एक बार ओवरबॉट हो रहा है और पीएम नहीं करेंगे, जिस दिन भी कोई टेक प्रॉफिट का सिग्नल आएगा उस दिन हम बेचेंगे, जिससे कि क्या पता हमें वापस 50-60 रुपया नीचे मिल जाए और हम उसको लेकर वापस 600 में बेचने की कोशिश करें। अच्छा, एक आपकी कमेंट्री में लास्ट टाइम एक स्पेस का जिक्र हुआ था, वो था मीडिया स्पेस। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपने गहन वर्क और भी किया होगा उस पर। मीडिया स्पेस में आपका व्यू क्या है? अमूमन एक स्ट्रॉन्ग फेस से जब FMCG गुजरता है तो मीडिया भी अच्छा करता है। मीडिया पर आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त? देखिए, मीडिया स्टॉक्स पे कोई भी व्यू चेंज नहीं है 3 महीने के होराइजॉन पर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के गेम्स अपनी जगह पे हैं, टाइम टू टाइम मुनाफा बुक करना पड़ेगा, फिर से री एंट्री लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपको मैं PVR की चार्ट दिखाऊं, इसमें इतनी पोजीशन बनाई है कि मौके पर 1450 हो जाए तो जी नहीं घबराए, और लेने की ताकत हो आपके पास, तो उस हिसाब से अगर ऊपर आप थोड़ा सा टेम्पररी मुनाफा बुकिंग कर लेते हो, इवेंचुअली 1670-80, फिर वहां से वापस टेक प्रॉफिट, और हो सकता है बहुत बड़े भाव बन जाए इसके। आपके ग्रुप के जो दोनों स्टॉक्स हैं उन पर हमारी स्ट्रांग बाई है हमारे क्लाइंट्स ने। देखिए, हम जो कुछ भी रेकमेंड करते हैं एक चीज क्लियर पहले कर देना जरूरी है, क्योंकि तो माहौल आजकल सोशल मीडिया मीडिया रेगुलेटर को लोग कंफ्यूज करते हैं। हम पेड सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारा धर्म है, दायित्व हम पहले अपने क्लाइंट्स को दिलवाएंगे, जो दिलाना है वो ले, नहीं ले उनकी मर्जी है। और उसके बाद जब उसकी यूटिलिटी वैल्यू की सारा रिकमेंडेशन कंज्यूम हो गया, 10-15 दिन बाद हम मीडिया में उसको बोलते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है पहले उनको उनको मिले। तो PVR है, या आपके बालाजी टेलीफिल्म्स है, छोटे वाले सारे मीडिया के स्टॉक्स हैं जिसको जैसी वॉलेटिलिटी हैंडल करने की श्रद्धा हो। मीडिया के सेक्टर में कोई भी बाई नहीं है, घूम फिर के सारे मीडिया एंटरटेनमेंट में सेल नहीं है, सारे के सारे बाई हैं। और हो सकता है जंबो परफॉर्मेंस आपके ग्रुप की भी दोनों कंपनियों का आ जाए। जी टेलीफिल्म और डिश की भी चार्ट बहुत ज्यादा दिनों से दबी पड़ी है, मतलब कभी ना कभी तो हाथी इस पे से पांव उठाएगा, बेचारे बिल्कुल पिसे हुए पड़े हैं, शूट अप आएगा तो इतना फास्ट आ जाएगा कि लेने ही नहीं मिलेगा। तो मीडिया पे हम बिल्कुल स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न्स पे बरकरार बने। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं होप करूँगा कि आप CNBC आवाज़ के व्यूअर्स के लिए भी मतलब कुछ कॉल्स सेव करके रखें। नहीं, आपने तो अनुज मुझसे बोलते अनुज हैं कि थोड़ा सा एक दोस्ती यारी में थोड़ा सा एक दोस्ती दो यारी भी है, पर कॉल्स। इसमें जितनी हिपोक्राइसी है कि अपने क्लाइंट्स को दिला के दे दिया, तो पहले डिस्क्लोजर करना जरूरी है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, डिस्क्लोजर और होना ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी कभी एक आध कॉल कॉल ऐसी हो जाए जो सबसे पहले सिर्फ CNBC आवाज़ पर जाए, मैं उसकी बात कर अनुज रहा ऐसा था नहीं कि हम सोशल। ये BTST बाई टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाई टुमारो वाले तमाशों में पड़ते नहीं। नहीं 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 वो मैं उसके उसकी बात नहीं, उसलिए सुशील जी उसलिए मैं उसकी उसलिए बात क्या नहीं कर है, रहा हूँ। उसलिए क्या है नहीं कि नहीं वो देखिए, 5 दिन 10 दिन बाद भी आपके पास वो कॉल आते हैं ना, उनमें हाँ मलाई बाकी होती है, नहीं नहीं वो ठीक अगर है। उसमें देखिए छोटा सा है। सुशील जी, इसमें देश में ना हर तरीके के ट्रेडर हैं, तो किसी के बारे में मतलब BTSC ट्रेडर भी है, STBT ट्रेडर भी है, डे ट्रेडर भी है, पोजिशनल ट्रेडर भी है। खैर एनीवे, एक ब्लैंक क्वेश्चन आपके लिए, आप ब्लैंक चेक क्वेश्चन आपके बहुत लिए, बढ़िया कॉल दे तीन तो चार आपने। तीन चार स्टॉक्स अगर आपको कोई इस समय किसी भी सेक्टर में कोई, इसमें मैं आपको पिन डाउन नहीं कर रहा हूँ कि इसी सेक्टर से बताइए, आपकी चॉइस, पूरा 6,000 स्टॉक्स आपके सामने हैं, कोई तीन चार स्टॉक जो इस समय आपको रॉकेट स्टॉक्स लग रहे हैं। चलिए, तो PCR से अनुरोध है 2 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन को दिखा दें। देखिए, जो एंजल ब्रोकिंग का चार्ट है, जो ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ कंक्लूड होने के पॉइंट पर है, हमने अपने क्लाइंट्स को अपनी आधी पोजीशन अक्यूमुलेट करने की सलाह दी हुई, अक्यूमुलेशन चल रहा है, और जिस दिन ये ऊपर वाली येलो लाइन को क्रॉस कर जाएगा 2300 को, तो फिर एट मार्केट बाई करके पोजीशन को क्लोज कंप्लीट किया जाए। हमें 4300 तक की चाल दिखती है, 2100 का स्टॉक है अभी। और इसके सिवाय हिंदुस्तान कॉपर में हमें बड़ी चाल दिखती है, हिंदुस्तान जिंक में बड़ी चाल दिखती है। उसकी रीजन ये है अनुज कि बहुत तरह के चार्टिस्ट हैं, एक तरफा कॉपर में तेजी का व्यू जो देखिए, माइक्रो पहले कॉपर फ्यूचर्स को आप देख लो, ये एक्सट्रीमली शार्प फॉल जो आया और अगेंस्ट द क्राउड की भैया कॉपर एक तरफा तेजी चलेगी, और ये 25-27% का फॉल आ चुका है। अब कॉपर यहां से घूम रहा है, और इसके बीच में हिंदुस्तान कॉपर की चार्ट पहले ही भागने को तैयार हो गई है। ये देखिए आप हिंदुस्तान कॉपर की चार्ट, जैसे ही आज के हाई को क्रॉस करती है हिंदुस्तान कॉपर, हमारा 450 का कॉल आ जाएगा, 450-460 तक का,
और एक चार्ट चलते चलते मैं आपको और दिखा जाऊं। हिंदुस्तान जिंक, ये देखिए हिंदुस्तान जिंक की चार्ट अब आ गई। ये देखिए कितना सुंदर ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, एंजल ब्रोकिंग के ही जैसा। 640 के ऊपर चले तो हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी हुई है, डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, 1,000 रुपए तक काटेंगे। तो अनुज, मैं हमेशा पैटर्न्स इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि 55 साल की उम्र हो गई काम करते करते, बेदाग जीवन जिया है तो बेदाग काम करना है। इसीलिए मैं BTST वगैरह कॉल्स आपके साथ नहीं डिस्कस करते, कंट्रोवर्सी कर देते हैं लोग। बढ़िया पैटर्न है, पैटर्न को समझिए, पैटर्न के साथ काम कीजिए, पैसा बनेगा। चलिए ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।